वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टेडियम। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कल को आपको एक वीडियो अपलोड किया था हम कल, उसमें बताए थे आपको कि आपका एमएड का जो एग्ज़ाम का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा 4 तारीख का डेट में 1 बजे। तो रिजल्ट आपका जारी हो गया है। तो देखिए कुछ देर हो गया हमको ये वीडियो लाने में, तो देखिए अभी आपको हम दिखाएंगे ये रिजल्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं अपना रिजल्ट को, क्या पास है या फेल है, या SGPA में या CGPA में किस में आपका मार्क्स दिया गया है और कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, सारा कुछ अभी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना गूगल क्रोम पे जाना होगा। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे WBOTTP सर्च कीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आपको ऑफिशियल पेज उसका खुलेगा, ऑफिशियल साइट पे आप पहुँच जाइएगा। ऑफिशियल साइट पे पहुँचने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका पेज आएगा, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे करेंट नोटिस का एक सेक्शन मिलेगा। करेंट नोटिस सेक्शन में यहाँ पे आपको रिजल्ट ऑफ एमएड सेमेस्टर 2 रेगुलर एग्जामिनेशन 2021 ये आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और ये आपका जो है PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको डाउनलोड करके भी अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरह से ये आपका ओपन हो जाएगा, PDF के फॉर्म में आपका फ़ोन में इस तरह से खुल जाएगा। तो अगर आप अपना रोल नंबर पता है आपको, अपना कॉलेज का नाम पता है, या फिर आप अपना नाम जो पता है आपका, तो आप अपना नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपना कॉलेज का नाम से या रोल नंबर से भी रिजल्ट को अपना सर्च कर सकते हैं। तो कैसे सर्च कीजिएगा, देखिए इस तरह से PDF ओपन होगा, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर एक सर्च बार आपको दिख रहा है, ये देखिए सर्च बार है, इस सर्च बार पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर जैसे आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको टाइप करने के लिए मांगा जाएगा, बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं रॉय, तो रॉय जैसे ही लिखेंगे तो जितने भी रॉय है यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। यहाँ सर्च कर देते हैं तो देखिए जो रॉय बोल के एक स्टूडेंट है उनका नाम यहाँ पे आ गया, और इनका देखिए यहाँ पे जो है नाम आ गया, और यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। देखिए उसका यहाँ पर नाम आ गया दलिया रॉय बोल के है, जो कि यहाँ पर देखिए उसका रिजल्ट शो कर रहा है, यहाँ पर सेमेस्टर पास लिखा हुआ रहा, और यहाँ पर देखिए क्या क्या है आपका दिया हुआ वो आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो आपका रिजल्ट शो कर रहा है इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले दिखेगा कॉलेज का कोड, यहाँ पे डिग्री, और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का ईयर, और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का मंथ, यहाँ पे आपका सेमेस्टर, और यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, और इधर आइएगा तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट दिखेगा CGPA में और SGPA में, यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या है पास है फेल है वो लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ पर आपका सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ, आप अपना रिजल्ट का नाम, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए SGPA और CGPA में यहाँ पे मार्क्स आपको दिया गया है पॉइंट हिसाब से, और इस प्रकार यहाँ पे देखिए आपका नाम हिसाब से दिया गया, तो आप अपना नाम से हिसाब से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपना जो कॉलेज कोड या फिर आपका जो है रोल नंबर जैसे आपको याद है जैसे आप चाहे सर्च कर सकते हैं, इस तरह से जैसे आपको दिखाएं अभी सर्च करके। तो देखिए इसमें ज़्यादा पेज नहीं है आपको, इसमें जो है टोटल जो है आपका पेज नंबर यहां पे आपको दिखेगा 6, तो 6 पेज में ही यहां रिजल्ट है, ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं है, जब कम ही स्टूडेंट का रिजल्ट है। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट को चेक करके देख लीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।